जितनी सूचना अभी है, इनकी दो पत्नियां हैं, एक जिसके साथ ये रह रहे थे, जिनसे पहले शादी हुई थी, जो बताते हैं गंधर्व विवाह हुआ था। दूसरी पत्नी इनकी स्मृति हैं, जिनसे बाद में शादी हुई है, 2014-15 के लगभग उनसे शादी हुई है, और यह एक सरकारी सेवा में हैं, और ये अपनी पहली पत्नी के साथ, जैसे मैंने कहा, OCR में रहते थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विवेचना के दौरान जो बात प्रकाश में आई वह यह आई कि इनके विरुद्ध 4 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनके विरुद्ध 2017 में थाना शाहपुर में एक महिला ने 323, 504, 506 और 354 का छेड़खानी का मुकदमा कायम किया था, जिसमें 164 के बयान के बाद वो 376 में तरमीम हुआ था। यह अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अतिरिक्त विकास नगर में भी इनके खिलाफ 3 मुकदमे और कायम हुए थे। जो इन तथ्यों के आधार पर जो जानकारी हमें मिलने लगी, उससे इतनी बात समझ में आई कि यह दोनों पत्नियों के संपर्क में थे, एक के साथ रहते थे और दूसरे के साथ भी इनका आना जाना था, और इसके बहुत पुख्ता प्रमाण हैं कि यह उनका वहाँ इनसे बातचीत भी होती थी और मिलना जुलना भी था। और इसी क्रम में जो बात सामने प्रकट होकर आई वह यह था कि जो इनकी दूसरी पत्नी हैं स्मृति वर्मा, उनका एक और व्यक्ति है जिसके साथ प्रॉबेबली शादी करने की बात हो रही थी, या जो विवाह करना चाहता था, या जिससे इनके संबंध थे, फाइव में से सो। और इस घटना का कारण भी यही निकला है। मैं अभी और इस पर विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। इनके कई लोगों से बातचीत करने के, बहुत सारे लोगों से, एज आई सेड ही इज़ डेड, आई विल रेस्ट्रेन एंड रेफ्रेन माई सेल्फ, लेकिन अगर आप समझ सकते हो तो वह एंगल बहुत निकला है इस विवेचना के दौरान। लेकिन जो बात प्रकाश में आई वह यह आई कि अब कॉज ऑफ मर्डर क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि यह कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इस घटना में इनकी दूसरी पत्नी स्मृति वर्मा इन्वॉल्व्ड हैं। इस घटना में उनका जानने वाला, जो उनका दोस्त मैं कह सकता हूँ, दीपेंद्र इन्वॉल्व्ड हैं। इस घटना में एक तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है, जिसका नाम संजीत है, इसका नाम संजीत गौतम है। और इस घटना में एक चौथा व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है, जो शूटर है, और उसका नाम जितेंद्र है। मैं चारों नाम प्रेस के सामने, मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। पूरी घटनाक्रम से पहले और कितने प्रमाण हमें मिले हैं, मैं अब इस पर आ जाऊँगा। दीपेंद्र वह व्यक्ति है जिसने पूरे घटना के लिए सबसे पहले मोटिवेट किया। संजीत वह व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था। जितेंद्र वह व्यक्ति है जो शूट किया है, जिसने फायर किया है। और स्मृति इज़ अ पार्ट ऑफ द होल कॉन्स्पिरेसी जो इसमें हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक जिन्हें गिरफ्तार किया है, हमने संजीत गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी आज हमने मोहनलालगंज से जबरौली रोड से 12:35 पे कर लिया है। हमने इसमें अभी आधा घंटा पहले दीपेंद्र की भी गिरफ्तारी कर ली है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गिरफ्तारी की है। मेरी समझ से रात तक यह आ जाएंगे। इनको नियमानुसार हम लेकर आ रहे हैं, और चूंकि यह 24 घंटे के पहले यहाँ पहुँचेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी 2:15 पर स्मृति वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है, और इनकी गिरफ्तारी हमने इनके विकास नगर के घर से की है। अब जो हमारे पास वांटेड है, एक वह जितेंद्र है जो शूटर है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास करेंगे। उस पर भी मैं आ जाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो हमारे पास टोटल घटनाक्रम है, मैं उसको पहले शेयर कर लूँगा, तो प्रॉबेबली आप लोगों के सब क्वेश्चंस का आंसर इसी में मिल जाएगा कि प्लानिंग कैसे शुरू हुई और क्या कॉज क्या है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि स्मृति और श्रीमती स्मृति और जो मृतक हैं, जो 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 दीपेंद्र हैं, यह दोस्त है, मैंने बता दिया। स्मृति और मृतक जो रंजीत बच्चन जी हैं, इनका वाद चल रहा था फैमिली कोर्ट में सेपरेशन के लिए, और यह चल रहा है बहुत पुराना, 2016 से चल रहा है। इसमें बहुत सारे डेट्स पढ़ते चले गए हैं, जिसमें
ज़्यादातर में या प्रॉबली किसी में भी रंजीत बच्चन अपीयर नहीं हो रहे हैं, और दूसरे साइड से इनकी इनकी वाइफ स्मृति अपीयर हो रही थी। लास्ट डेट जो था, हाँ स्मृति श्रीवास्तव है, आई एम सॉरी नॉट स्मृति वर्मा, जो लास्ट डेट था वो 27/1/2020 को लास्ट डेट थी, और नेक्स्ट डेट जो है वह 10/2/2020 को थी, जो इनके वाद का डेट चल रहा था। जैसा अभी पूछताछ में पता चला है, जो वन ऑफ द अक्यूज हु हैज़ बीन अरेस्टेड, शी सेज कि 17/1/2020 को रंजीत मिले थे स्मृति से, और वहाँ पर ये सिकंदरबाग चौराहे पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। इनकी संभवतः एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी या कुछ, जिसमें ये चाह रहे थे कि कहीं होटल लेकर जाएं, शी रिफ्यूज़, और उस पर इसने इनको थप्पड़ भी मारा था। जो बात इन्होंने बताई थी दीपेंद्र को, इमीडिएट कॉज जो अभी तक दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो पूरी चीज़ें चल रही हैं उससे, यह प्रोवोकेशन जो है यह दिख रहा है कि क्यों इसने तुरंत प्लान किया है। बट शी हैज़ ऑल्सो कन्फेस टू द पुलिस कि इनकी शादी होने के लिए, बिकॉज दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड दीपेंद्र एंड स्मृति, इसमें यह एक बाधा थे, बिकॉज ये इनको छोड़ने को तैयार नहीं थे स्मृति को, और यह बहुत बड़ा फैक्टर था कि दे वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ हिम। और 21 जो पूरे हमें डिटेल्स हैं, व्हेन आई से कि वी हैव कंक्रीट प्रूफ, वी हैव कंक्रीट प्रूफ ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग नाउ, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके हमारे पास बहुत सॉलिड एविडेंस है। 21 तारीख को क्लियर प्रूफ है कि दीपेंद्र ने उसी दिन 21 जनवरी की तारीख को पीछा किया था, बट ही कुड नॉट सक्सीड फॉर वॉट एवर रीज़न इट बी। 25 तारीख को दीपेंद्र की फिर मुलाकात हुई स्मृति से, जिस दिन यह प्लानिंग फाइनल की गई, और उसके बाद से सडनली जो दिखता है कि इनकी आपस में फ़ोन से बातचीत बंद हो गई, जो अभी फोरेंसिकली एग्जामिन करने पर देख रहा हूँ कि इसका नंबर और नाम भी इसकी मोबाइल से डिलीट हो गया है स्मृति के नाम से, वो एक प्रॉबली बचने के लिए इस काम को किया गया था। 26/2 को बातचीत में जब इससे पूछताछ की जा रही थी, तो स्मृति ने यह बताया कि 26 तारीख को दीपेंद्र बॉम्बे चला गया था, और उसने मुंबई चला गया था, और उसने यह भी बताया कि 26 को उसने वीडियो कॉल वहाँ से किया था, विच इज़ अ ब्लेटेंट लाई, इसलिए हमें यह शक और गहराया कि यह झूठ क्यों बोला जा रहा है। जो अगेन सीसीटीवी फुटेजेस से एंड स्टैम्पिंग से, टेक्निकल सर्विलेंस से जो हमें क्लियर है कि 28/1 को, 28 जनवरी को, फिर यह 21-25 जनवरी की बात मैंने बताई, 28 जनवरी को यह फिर लखनऊ आया, इसने रेकी की है दीपेंद्र ने, दिन भर यहीं रहे हैं, फिर एक होटल में विकास नगर के रुक गए हैं, वी हैव प्रूफ ऑफ दैट। 29 को फिर मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक के समय उसी रूट पर यह रेकी की गई है, और उसकी भी पूरी प्रूफ हमें हर तरह से मिल गई है, दोनों तरीका मैं जब बार बार बता रहा हूँ। तो 29 तारीख को यह रेकी की गई है, 30 तारीख को यह फिर रेकी हुई, अगेन प्रूफ गॉट, कंप्लीट प्रूफ गॉट, और उसके बाद यह रायबरेली चले गए हैं। जो आकर रुके हैं, जब मैं रुकने की बात कह रहा हूँ, 28 से 29 तारीख को, मुझे एक बार चेक करना होगा, उस दिन यह 3 लोग आकर रुके हैं, और 3 लोग रुके हैं, और बड़े अजीब से पैटर्न से रुके हैं कि 3 आदमी आते हैं, होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, बिना सामान के आते हैं, रुकते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं, अर्ली मॉर्निंग रेकी करते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यह एक समझ में आती है बात कि रेकी करने के लिए कहाँ रुका गया है, रेकी की गई है मॉर्निंग आज में, रेकी की गई है, और उसके बाद 1 तारीख को यह रात में रायबरेली से चलते हैं, 2:30 के लगभग का मूवमेंट है, सुबह लखनऊ आना प्रमाणित है, हर तरह से प्रमाणित है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रणजीत बच्चन के हत्याकांड को लेकर जो पुलिस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें जानकारी दी कि हत्या में रणजीत की दूसरी पत्नी शामिल है, इसके साथ ही उनके कई दोस्त भी यहाँ पर शामिल है, तो हत्याकांड का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है, जैसा कि पहले अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा था कि पारिवारिक ये मतभेद हुए हैं, और उसके बाद दूसरी पत्नी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, और कहा जा रहा है कि जो भी शक के घेरे में थे उन सभी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, तो संजीत गौतम नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड को लेकर आपको बता दें कि 12 टीमें जो पुलिस की तरफ से गठित की गई थी उनको ये कामयाबी मिली है, और आखिरकार
बच्चन हत्याकांड को लेकर जो पुलिस का खुलासा है उसमें बताया जा रहा है कि दो पत्नियों के संपर्क में थे रणजीत बच्चन, और हत्या में रणजीत बच्चन की दूसरी पत्नी शामिल है। तो 3 से 4 दिन तकरीबन रेकी की गई है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहां पर सुपारी दी गई थी रणजीत बच्चन को मारने के लिए, तो ऐसे में 3 से 4 दिन लगातार ये आरोपी रेकी करते रहे और आखिरकार 2 फरवरी को इसको अंजाम दिया गया।